केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जयपुर प्रवास का दूसरा दिन है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वैशाली नगर गांधी पथ पर संपर्क से ये समर्थन सभा है और साथ ही साथ गांधी पथ ज्वेलर्स रिसोर्ट में सभा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गोयल का प्रबुद्ध जन से संवाद है ये, और साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप देख रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी है। और कल जब वो पहुंचे थे उस समय भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पीयूष गोयल के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री के मन की बात को दोनों ने साथ साथ सुना था और अभी की तस्वीर आपके सामने है। प्रवास का दूसरा दिन है जयपुर प्रवास का पीयूष गोयल का, प्रबुद्ध जन से दरअसल संवाद ये कार्यक्रम। गांधी पथ ज्वेलर्स रिसोर्ट में सभा का आयोजन किया जा रहा है। वैशाली नगर गांधी पथ पर संपर्क से समर्थन ये सभा है। तो देखिए, कल जब पीयूष गोयल पहुंचे थे तो आपने वो तस्वीरें देखी थी, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उन्होंने सुना था। हालांकि उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी, कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा था। आज प्रबुद्ध जनों से संवाद होना है और बेहद अहम ये संवाद होने जा रहा है। तो देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ऐश्वर्य प्रधान, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं ऐश्वर्य, क्योंकि ये जो प्रबुद्ध जन संवाद होता है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और खास तौर पर वहां और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर इलेक्शन होते हैं, इसकी खासियत बताइएगा। देखिए, संपर्क से समर्थन ये कार्यक्रम है और आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल चूंकि उन्हें जयपुर की जिम्मेदारी दी गई थी तो इससे पूर्व में भी वो आए और कल से वो लगातार सुबह से देर रात तक कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। अब संपर्क से समर्थन का ये आखिरी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में वो प्रबुद्ध जनों से, युवाओं से, बालिकाओं से, इनसे सभी से संवाद करेंगे और संवाद करने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम राज्यों में हर कोई नेता है वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहा है, जो क्षेत्र की प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा द्वारा दिए गए हैं। जेपी नड्डा ने सभी लीडर्स को अपने अपने क्षेत्र दिए हैं कि इन लीडर को इस क्षेत्र में जाना है, इन्हें इस क्षेत्र में जाना है। तो वो अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, जनसभा, संपर्क से समर्थन में प्रबुद्ध जन संवाद, पत्रकार वार्ता, इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार उनके साथ हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चूंकि जयपुर ग्रामीण के सांसद है और जयपुर ग्रामीण के सांसद होने के नाते वो जो पूरा वक्त है वो जयपुर ग्रामीण को कल दिए थे, तो अभी कुछ ही देर में इनका संबोधन शुरू होगा। ऐश्वर्य, एक बात और खास है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि संपर्क से समर्थन ये संवाद है, तो किस तरीके से संपर्क करके समर्थन की यहाँ पर अपील लोगों से की जाएगी, क्या कुछ एजेंडे भी यहाँ पर तय किए गए हैं? देखिए, एजेंडा यहाँ पर एक ही है, एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियां। उन 9 साल की उपलब्धियों पर ही फोकस रखा जाता है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की 9 साल की उपलब्धियों पर बोला जाता है। हालांकि जो लीडर राजस्थान में आ रहे हैं वो लीडर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी आक्रमण लगातार करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर हाथ लेते हैं, जो कि स्वाभाविक तौर पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, क्योंकि आगामी दिनों में 3 बड़े नेताओं को भी 28, 29 और 30 को जयपुर में आना है, उदयपुर, जोधपुर और कोटा में आना है। टॉप लीडरशिप के तीनों नेता हैं, तो अब ये सतत प्रोसेस चलेगा जिसमें कांग्रेस सरकार को भी घेरा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों को बताया जाएगा। और ऐश्वर्य, ये भी जरा बताएगा कि किस किस वर्ग के प्रबुद्ध जन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, प्रबुद्ध जनों में इन्होंने एक कैटेगरी बना रखी है। रोजाना जब नियमित रूप से प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया जाता है तो इसमें उन लोगों को लाया जाता है जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर जिन पार्टी को फायदा हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, जो न्यू वोटर हो, इस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के तहत बुलाए जाते हैं। चूंकि ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को और अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि मोस्टली भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो तो
दिन रात इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते घूमते हैं, लेकिन जब यूथ को जोड़ा जाएगा, प्रबुद्ध जनों को जोड़ा जाएगा, तो वो चार लोगों के बीच में इधर उधर जब बातें करेंगे, सियासी बातें करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर यही नजर आती है कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व स्तरीय लीडर बनना, कोविड मैनेजमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कोविड के दौरान पूरे विश्व में एक मैसेज देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की, इन तमाम तरीके की चीजों का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा जिक्र विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हैं उनका भी किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इन योजनाओं के अलावा राम जन्मभूमि, बिल्कुल ऐश्वर्य, कुल मिलाकर ये है।